परफ्यूम के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे निविया के डिओड्रेंट रोल ऑन के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है। वीडियो होने वाला है इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, तो मेरे साथ बने रहिए। आई विल कम बैक आफ्टर द इंट्रो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रैगन। माय नेम इज शुभजीत और मैं आज से बात करने वाला हूँ निविया डिओड्रेंट रोल ऑन के बारे में। तो भी आप पूछेंगे रोल ऑन क्यों, क्योंकि इसमें भी बढ़िया खुशबू है, उसके बारे में बात करेंगे स्मेल कैसा है, और आप पूछेंगे कि निविया के रोल ऑन क्यों, बिकॉज निविया रोल ऑन्स आर द बेस्ट, इवन बेटर देन सिंथॉल इन माई ओपिनियन। तो चलिए बात करेंगे एक एक करेंगे, बट फोकस या फिर मेन स्टोरी जो रहेगा ये वीडियो में वो है निविया प्रोटेक्ट एंड केयर, ये वाला रोल ऑन के ऊपर। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं कि ये रोल ऑन्स डिओड्रेंट क्या चीज है। तो एक्चुअली में अगर आपने कभी सुना होगा इसके बारे में, ये है एंटी परस्पिरेंट। तो एंटी परस्पिरेंट मतलब क्या होता है, सिंपली ये आपके पसीने को रोकता है। तो अगर आप मेरे जैसा बहुत ज्यादा पसीना आता है आपको, आई जस्ट स्वेट लाइक अ फैट पिग, तो अगर आपको पसीने से बचना है तो आप ये एंटी परस्पिरेंट रोल ऑन्स यूज कर सकते हो। अभी मेरा सीक्रेट यही है दोस्तों कि मैं परफ्यूम से यूज करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रोल ऑन डिओड्रेंट जो है एंटी परस्पिरेंट मेरे अंडर आर्म में यूज करता हूँ, ताकि मुझे पसीना कम आए। और दूसरा बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों कि ये जो रोल ऑन है ये बहुत देर तक एक फ्रेशनेस रखता है। इसमें सच में इसमें 48 आवर्स लिखा तो है, बट मैं बोलूंगा 20 आवर्स तक तो इसका जो फ्रेशनेस है वो रखता है। आपके अंडर आर्म में बिल्कुल स्मेल नहीं होगा। ये जो फ्रेशनेस है वो इंटैक रखता है मोर देन 24 आवर्स, मुझे ऐसा महसूस हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ जोक। तो ये बात करते हैं इसके अंदर है क्या। तो बोला जाता है कि निविया क्रीम जो ओरिजिनल ब्लू कलर के डब्बा आता था ना, चपटा चपटा, वो डब्बे में जो क्रीम रहता है उसका ही इंग्रेडिएंट्स इसमें है। उसमें पैराफिन तो जरूर है, पैराफिन ये सब आइसोबुटेन केमिकल्स है इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये बिल्कुल स्किन फ्रेंडली है, बहुत ही जेंटल है, माइल्ड है। रैशेज आता है या फिर इरिटेशन होता है ऐसा मैंने बहुत कम सुना है इससे, तो बहुत सालों से यूज कर रहा हूं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोज तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉन्स भी कुछ कुछ है, एंड में बात करेंगे कॉन्स के बारे में। तो सबसे बड़ा प्रोज जो है, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, बिल्कुल ये काम करता है, आपके पसीने को रोकता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इसका जो फ्रेग्रेंस है वो आता है, बहुत ही खूबसूरत स्मेल है दोस्तों इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टी नोट मुझे मिलता है इसमें, और थोड़ा सा फ्लोरल खुशबू है, थोड़ा एक्वाटिक है, थोड़ा सा सॉल्टी वाइब भी जो है इसमें मिलता है, बट वो टी नोट स्पेशली आई लव दैट टी नोट, मुझे बहुत बढ़िया लगता है इसका स्मेल। तो यहाँ पे क्विकली मैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। ये है निविया का वाइटनिंग सेंसिटिव, ये वाला जो है वो फीमेल के लिए मार्केट किया जाता है, अंडर आर्म के पैचेस निकालने के लिए हेल्प करता है ऐसा बोला गया, लेकिन मेरे अंडर आर्म में पैचेस नहीं है तो मुझे पता नहीं है। आई हैवंट यू नो सीन एनीवन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग दैट दिस इज एक्चुअली वर्किंग टू रिमूव देयर ब्लैक पैचेस देयर फ्रॉम देयर अंडर आर्म। इसका स्मेल के बारे में क्विकली देख लेते हैं, इसका स्मेल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका स्मेल जो है एक थोड़ा सा फ्रेश आउट ऑफ शावर वाली फीलिंग है, थोड़ा सा सोपी है, थोड़ा सा ज्यादा व्हाइट फ्लोरल्स है इसमें, और थोड़ा मस्की खुशबू है इसमें। अगर इसकी दोनों का अगर एक साथ बात करूं तो ये जो है परफॉर्मेंस के बारे में इसको आराम से बीट करता है। इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका जो खुशबू का प्रोजेक्शन है वो बहुत देर तक लास्ट करता है। मैं बोलूंगा 8 से 9 घंटा आराम से मिलता है आपका इसको खुशबू, एक भिनी भिनी खुशबू रहती है, बहुत ही यू नो लाउड प्रोजेक्ट नहीं करता है, लेकिन आपके नज़दीक जो आएगा, आपके क्लोज जो आएगा, उसको ये स्मेल मिलता है इवन आफ्टर 4 to 5 आवर्स। जो स्मेल है वो बहुत जल्दी जाता है, 6 आवर्स में इसका स्मेल पूरा चला जाएगा, लेकिन एंटी परस्पिरेंट का जो काम है, पसीना ना आने वाली जो काम है, वो बिल्कुल अच्छे से करता है। तीसरा अगर मैं प्रो बताऊँ दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो आई थिंक अराउंड 180 या फिर उसके करीब कुछ आता है। लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक आउट फॉर योरसेल्फ। एंटी परस्पिरेंट से अगर आपको एलर्जी होता है तो आप थोड़ा सा आपके आर्म में, फोर आर्म में अप्लाई करके चेक कर लीजिए। आई हैवंट सीन एनी रेयर ओकेजन जहाँ पे इसमें रैश आ रहा है। तो कौन, मुझे बस एक ही लगता है जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया मेरे ये लॉन्ग यूजिंग पीरियड में। अगर आप थोड़ा स्किन टाइट ड्रेस पहनते हो जिसमें आपका जो क्लोथ है आपके अंडर आर्म को टच करता है, वहां पे क्लोथ के इनसाइड वाले जो पोर्शन है वहां पे ये धब्बा देता है, वो धब्बा येलोइश एक धब्बा होता है जो जाता नहीं है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा कपड़े को हार्ड कर देता है। बट गुड थिंग इज वो बाहर से नहीं दिखता है, आपको बाहर से एकदम नॉर्मल सा लगेगा, लेकिन वहां पे क्लोथ थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो। और स्पेशली वो होता है अगर वो कॉटन वाला क्लोथ ना हो, अगर वो सिंथेटिक कोई क्लोथ हो तो उसमें
धब्बे आ सकते हैं। धब्बा अगर आपको नहीं चाहिए तो कम यूज कीजिए। वैसे भी ऐसे क्लोथ यूज नहीं करनी चाहिए को रब करे ज्यादा, स्पेशली अंडर आर्म के स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव एंड सॉफ्ट होते हैं, तो उस हिसाब से ये ठीक है, बट ये धब्बे वाली चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दैट इज अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। इसका फ्रेग्रेंस के बारे में बात किया, फ्लोरल खुशबू है, मस्की खुशबू है, एक्वाटिक खुशबू है, पाउडरी खुशबू है, तो स्मेल इज ऑल राइट, ब्रिलियंट एंटीपर्स्पिरेंट, बेटर देन सेंथॉल। 190 रुपीज या फिर 180 रुपीज में अगर आपको मिलता है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए। एंड देयर आर पीपल हु अवॉइड डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स, उनको नहीं पसंद है उतना खुशबू वाली चीजें, आपको पसीना होता है, तो बिल्कुल आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। दिस विल बी योर लाइफ सेविंग प्रोडक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू विल बी यूजिंग इट। पर्सन जस्ट ग्रैब दिस थिंग एंड यू विल कम बैक टू दिस वीडियो, आई कैन प्रॉमिस, एंड यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट थैंक यू वेरी मच फॉर सजेस्टिंग मी दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज इट अबाउट निविया प्रोटेक्ट एंड केयर 48 आवर्स एंटी परस्पिरेंट रोल ऑन डिओड्रेंट। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ये मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि वो टाइम में ये अवेलेबल नहीं था शॉप में। बेस्ट ब्रांड अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एंटी परस्पिरेंट, निविया रोल ऑन। सो दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो। मैं बहुत ही जल्दी दूसरा परफ्यूम वीडियोज लेके आऊंगा, और भी अलग अलग ऐसे अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट्स है जो आप यूज कर सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट भी मैं लेके आऊंगा मेरे चैनल के ऊपर जिसमें अच्छा खुशबू हो। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियो को लाइक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लेके आऊँगा बहुत जल्दी और एक फ्रेग्रेंस रिव्यू वीडियो। तब तक के लिए बहुत अच्छे से रहिए, महकते रहिए और हेल्दी हैप्पी रहिए। फ्रेग्रेंस के साथ बोलिए वंदे मातरम, बाय बाय।